हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अटर ट्वेंटी फोर सेवन जुडिशी पर मेरा नाम है वत्स और मैं लेकर आती हूँ डेली आप सभी के लिए लीगल अपडेट्स तो दोस्तों क्या आपको भी मेरी तरह शौक है बहुत सारी वेब सीरीज और मूवीज देखने का और मेरे लिए तो पर्टिकुलर ये है कि भाई मैं लॉ या लीगल फील्ड से जो बिलोंग करती हूँ मैं उन वेब सीरीज को बहुत ही अच्छे से देखती हूँ लास्ट नाइट ही मैंने मूवी देखी जो कि आसाराम बापू के केस के ऊपर है एक बंदा ही काफ़ी है एंड बहुत

तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप सेशन को पूरा देखिए जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्यों इस ब्लैक जस्टिस ने मचा दी है तबाही तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों तो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ये मेरे बारे में जानकारी और यदि आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं यू कैन यूज़ दिस कोड वाई सेवन फोर एट टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ सेवेंटी एट परसेंट तो दोस्तों ये एक वेब सीरीज़ है जिनके राइटर और प्रोड्यूसर है डॉक्टर कपिल कक्कड़ ये इनके कौन है राइटर हैं और प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं भाविन वाडिया इन्होंने इन्होंने इस चीज के ऊपर एक वेब सीरीज बनाई है कि हमारे केस के अंदर तो, हमारे देश के अंदर टोटल फोर पॉइंट फाइव करोड़ पेंडिंग केसेस हैं और क्यों वो पेंडिंग है क्या ये सारी चीजें हैं इसको दिखाते हुए उन्होंने जुडिशरी के अंदर क्या लूप होल्स हैं क्या ब्लैक है समझ पा रहे हैं आप दाल में कुछ काला है या दाल ही पूरी काली है इन्होंने ये यह यहाँ पर बताने की कोशिश की है तो थोड़ा सा आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो और ये सेशन भी मैं इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि uh, इस तरह की सीरीज़ देखे आपको कानून के बारे में उनकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होती है फॉर एग्जाम्पल कल मैंने एक मूवी देखी एक बंदा ही काफ़ी है तो उससे पॉक्सो एक्ट को और अच्छी तरीके से कोर्ट में आप किस तरीके से लॉस को अप्लाई कर सकते हो केसेज़ और सिचुएशन के हिसाब से आप किस तरीके

Or, be it is the procedural aspects, be it in a time taken to solve a case, or a vast difference in decision taken by two different. जजेस ऑन द सेम केस तो चाहे वो हो यहाँ पर किसी भी इस तरीके के केस में जहाँ पर यानी कि एक केस को सॉल्व करना है या और या फिर कौन से डिफरेंट तरीके हो सकते हैं बी एट द टाइम टेकन कितना टाइम लगता है एक केस को सॉल्व करने के लिए कितना समय होना चाहिए और उस समय के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हर चीज़ होनी चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ अ वास्ट डिफरेंस इन डिसीजन टेकन बाय द टू डिफरेंट जजेस और जहाँ पर डबल या ट्रिपल बेंच होती है तो वहाँ पर अलग अलग जजेस के जो ओपिनियंस होते हैं उसकी वजह से तो काफी सारी चीजों को इंजीनियर करने की जरूरत है हमारे जस्टिस सिस्टम के अंदर उसके बाद केस बाय डिफरेंट हाई कोर्ट्स और द जेंडर बेस्ड मेट्रीमोनियल लॉज तो यहाँ पर और जो भी है यहाँ पर हम बात करते हैं कि अपने और जो अपकमिंग यहाँ पर बिल्स पेंडिंग है या फिर जिन भी कानून के लिए यूज़ करते हुए केस ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं कोई भी वर्डिक्ट या फैसला नहीं आ पा रहा है तो वहाँ पर इनको जताते हुए इस ब्लैक जस्टिस सीरीज़ को यहाँ पर बनाया गया है जहाँ पर आप बहुत अच्छे से कानून के बारे में जान सकते हैं और साथ ही साथ आपको मैं बताऊँ द ऑब्जेक्टिव द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस मूवी टू एक्सपोज द इंडियन जुडिश्री तो यहाँ

इन जस्टिस वॉज मेयरली कन्फर्म्ड टू द जस्टिस डिलेड टू द जस्टिस डिनाइड और इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को भी यूज़ किया है कि अगर जस्टिस डिलेड है तो इसका मतलब जस्टिस डिनाइड है मिली ही नहीं और मैंने भी दोस्तों देखा है कि यहाँ पर बंदे की उम्र निकल जाती है लेकिन केसेस सॉल्व नहीं हो पाते पनिशमेंट नहीं मिल पाती वर्डिक्ट फैसला नहीं आ पाता तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं हमारे यहाँ पर एक स्लो प्रोसेस है यहाँ पर जस्टिस को पाने का उसके बाद ये जो वेब सीरीज़ है ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड रैदर देन द प्रॉब्लम फोकस तो यहाँ पर इनके जो डायरेक्टर है वो बोलते हैं कि भाई हम प्रॉब्लम को ज़्यादा नहीं कर रहे हम सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे और आपको सच्चाई दिखाएंगे कि इंडियन जुडिशरी की एक्चुअल चीज़ है क्या ग्राउंड लेवल की सच्चाई क्या है एज प्रॉब्लम एंड लिमिटेशन ऑफ जुडिशरी इज नोन एज एवरी वन एवरी वन बट नो वन टॉक्स अबाउट द रॉबर्स सोल्यूशन तो सब लोगों को प्रॉब्लम पता है कि जस्टिस डिले जस्टिस नाइट एट्सट्रा लेकिन कोई भी सोल्यूशंस के ऊपर बात नहीं करता तो हमारी वेब सीरीज के द्वारा यहाँ पर हम कुछ सोल्यूशंस और कुछ अच्छे एडवा बताएंगे आपको कि आप किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकते हैं जैसे कि सोल्यूशंस डूअल डिग्री फॉर जजेस अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस रिप्लेसिंग प्रेयर विद डिमांड

उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं द होल आइडिया ऑफ मेकिंग दिस वेब सीरीज वॉज टू क्रिएट मास अवेयरनेस इन पब्लिक इन्होंने कहा कि हमने इस वेब सीरीज़ को बनाने का मकसद ही यही था कि हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से अवेयरनेस कर सके जनरल पब्लिक तक ये बात पहुँच चुके पहुँच सके कि किस तरीके से यहाँ पर कोई भी ड्रॉबैक्स है या लूप होल्स है जहाँ पर जस्टिस को पाने में इतनी देरी हो जाती है तो हमने एक वो ट्रांसपेरेंसी देने की कोशिश की है थ्रू आर वेब सीरीज ऑल्सो वेकअप द गवर्नमेंट ऑफ द डे विद द प्रोपोज चेंजेस एंड रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड इन जुडिश्री और साथ ही साथ साथ हम सरकार को भी यह मैसेज देना चाहते हैं कि क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है प्रोसेस को किस तरीके से अपलिफ्ट किया जाता है किया जा सकता है हमारे जुडिश्री सिस्टम को तो यहां पर इन्होंने इस मकसद से इस एम से इस गोल से यहां पर इस ब्लैक जस्टिस वेब सीरीज को यहां पर बनाया है और दोस्तों उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया एंड इसे जरूर आप देखिएगा मैं भी इसका फर्स्ट एपिसोड देख चुकी हूं आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं इसके आगे एपिसोड देखूं तो आप भी इसे जरूर देखेगा और साथ ही साथ चलो एक बात मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपने ऐसी कौन सी लीगल वेब सीरीज देखी है चाहे हॉलीवुड हो चाहे अपने बॉलीवुड हो इंडियन हो तो जस्ट डू लेट मीन ऑन द कॉमेंट सेक्शन और अगर जो मैंने देखी है मैं उसको आपको यहाँ पर रेफर करना चाहूंगी आपको सजेस्ट करना चाहूंगी सो यू कैन वॉच यू गाइज कैन वॉच गिल्टी माइंड्स ऑसम अमेजिंग सीरीज यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नेक्स्ट क्रिमिनल जस्टिस क्रिमिनल जस्टिस में आपको यह पता चलेगा कि किस तरीके से सबूतों को एविडेंसेस को रिकॉर्ड करके कैसे कैसे केस को सॉल्व किया जाता है वो जर्नी मिस्ट्री आपको पता चलेगी और लास्ट मोमेंट पर जाकर खुलता है कि यार कौन यहाँ पर uh, क्राइम कि, किसने क्राइम किया था किसने नहीं किया था और योर योर ऑनर ये भी आप देख सकते हैं ये सारी सीरीज़ मैंने देखी है और मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू ऑल गाइज और फिर उसके बाद कोड एम ये भी आप देख सकते हैं बहुत बहुत अच्छी सीरीज़ है ये उसके बाद इलीगल जस्ट वॉच इट इ लीगल के बाल मतलब कहते हैं ना वो एक बाल बराबर डिफरेंस तो ये वहाँ से आपको पता चल पाएगा एंड द वर्डिक्ट स्टेट वर्सेज नानोवती ये जरूर देखेगा साथ ही साथ मैंने लास्ट नाइट एक मूवी देखी है जिसका वो एक बंदा ही काफ़ी है जो आसाराम बापू के केस के ऊपर है एंड दैट वॉज ऑसम ए नेक्स्ट द ब्लैक जस्टिस आई एम रिकमेंडिंग यू सो देख लो तब भी बताना कैसा लगा और अगर आपने कोई देखी है इफ़ यू व सजेस्ट आर टीम आर फैमिली कि भाई कौन सी मूवी देखनी चाहिए तो कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा राइट तो मैं चलती हूँ अभी आज के लिए इतना ही आपको मैंने बताया कि इस तरीके की मूवी आप देख सकते हैं और अच्छे तरीके से लॉस को समझ सकते हैं ऑल्सो इफ यून ऑफ बिकम जुडिशियल ऑफिसर न्यायाधीश बनना है तो यहां पर ये यह लाइव हैं। बैरिस्टर बैच पहली बार यूट्यूब पे फॉर ऑल इंडिया बार 18 के लिए यहां पर ये यह बैच है दोस्तों ये बैच आपको केवल मिल जाएगा ट्रिपल नाइन रुपीज़ में ट्रिपल नाइन रुपीज़ में मिल जाएगा लॉन्च प्राइस है वाई सेवन फोर एट आप ये कोड लगाएंगे तो ये आपको बैच मिल जाएगा आपका अपकमिंग एग्ज़ाम सितंबर में है और सिक्स मंथ्स की इसकी वैलिडिटी है तो फटाफट यहाँ पर रोज़ यहाँ पर बैच फुल हो रहे हैं फर्स्ट फिफ्टी सीट्स को यहाँ पर मिलेंगे ट्रिपल नाइन में बैच और इसको आप अवेल कर सकते हैं उसके साथ ये है हमारे स्टेट जुडिशरी बैच अगर आप किसी भी जुडिशरी स्टेट जुडिशरी का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं क्रैश कोर्स फाउंडेशन कोर्स सब कुछ लाइव है दिस कोड वाई सेवन फोर एट टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट और उसके अलावा इन सभी का एक मिलाकर हम लोगों ने बनाया है जुडिशरी का महापैक दिस इंक्लूड्स ऑल स्टेट जुडिशरी लाइक ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है एंड यूज कोड वाई सेवन फोर एट ये कोड लगाएंगे तो डबल वैलिडिटी कोड के बिना मिलेगा बारह महीने का कोड के साथ मिलेगा चौबीस महीने का ऑन ओनली ऑन ओनली ऑन अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन जुडिशरी